Okay, Zahin, today the topic that I'm going to discuss is do you want to and do you try to? Hope so you all will take it serious. Okay, practice अच्छे से करिए ताकि जब आप बोलो तो जो आपको सुने लगे कि आप कुछ बोल रहे हो. ठीक है, you have already been taught do you plus first form of action पढ़ा दिया गया ना. डू यू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन पढ़ा दिया गया है. डू यू के बाद अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं, डू यू वॉन्ट टू सी में जोड़ लेते हैं. ठीक है, वॉन्ट टू मीन्स किसी कोई काम को करना चाहना. ठीक है ना, किसी काम को करने की इच्छा रखना, चाहना. ठीक है, अगर मैं कहूँ डू यू वॉन्ट तो क्या आप चाहते हो आगे कोई काम करना ना. डू यू वॉन्ट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन. यू हैव ऑलरेडी टेकन सीट ना, सीट डे एट. तो आज हम डे एट का प्रैक्टिस करेंगे, डू यू वॉन्ट टू. ठीक है, और होप कि आप लोग बहुत ध्यान से सीरियस लोगे. तो एक्शन पर आते हैं हम लोग. डू यू वॉन्ट टू, डू यू ट्राई टू. डू यू वॉन्ट टू का मतलब क्या आप प्रयास कर, डू यू वॉन्ट टू का मतलब क्या आप चाहते हो, डू यू ट्राई टू का मतलब क्या आप प्रयास करते हो. वॉन्ट टू को अमेरिकन लैंग्वेज में डू यू वाना भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वाना ना, डू यू वाना, डू यू ट्राई टू, ट्राई टू नहीं, ट्राई टू, डू यू ट्राई टू. ओके, तो पहला एक्शन है, पहला एक्शन है आपके सीट में क्या है, सर्व द नेट. सर्व द नेट, उसके नीचे ब्राउज द नेट. सर्व द नेट एंड ब्राउज द नेट बोथ आर सेम. यू कैन से इधर सर्व द नेट और ब्राउज द नेट, मतलब इंटरनेट चलाना. ठीक है, सर्व द यूट्यूब, सर्व द फेसबुक. ठीक है, सर्व द इंटरनेट, सर्व और ब्राउज द इंटरनेट. ठीक है, तो आपको अगर किसी से पूछना हुआ सर क्या आप इंटरनेट चलाते हैं तो कैसे पूछेंगे, डू यू ब्राउज द नेट. ठीक है, डू यू यूज करेंगे ब्राउज द नेट ना, क्या आप नेट इंटरनेट चलाते हैं, डू यू ब्राउज द नेट. लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं, अगर ऐसे कहा जाए क्या आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं, कैसे पूछोगे, डू यू वॉन्ट टू ब्राउज द नेट. अगर आंसर आएगा हाँ मैं चलाना चाहता हूँ तो कैसे बोलूंगा, आई वॉन्ट टू ब्राउज द नेट. अगर नहीं चलाना चाहते हो तो आई डोंट वॉन्ट टू ब्राउज द नेट. वॉन्ट टू को और क्या बोलते हैं, वाना. आई डोंट वाना ब्राउज द नेट. ठीक है, अब अगर नहीं चलाना चाहते हो तो क्या आप इंटरनेट चलाने का प्रयास करते हो, क्या बोलोगे, डू यू ट्राई टू सर्व द नेट, डू यू ट्राई टू ब्राउज द नेट ना. हाँ मैं इंटरनेट चलाने का प्रयास करता हूँ. अगर नहीं करता हूँ तो कैसे बोलूंगा, आर यू गेटिंग वेल, वेरी गुड. अब आप देखें अगला, देख लें अगला क्या है, एक ऐसा ले लेते हैं स्पोकन इंग्लिश ना, स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश. तो क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इन इंग्लिश ना, अभी बोलते हो डू यू स्पीक इन इंग्लिश. लेकिन अगर थोड़ा सा और जाए, अगर कहेंगे नहीं आई डोंट स्पीक इन इंग्लिश, तो बात आएगी कि क्या आप बोलना चाहते हो कि नहीं, तो कैसे बोलोगे, डू यू वॉन्ट टू स्पीक इन, हाँ डू यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, हाँ मैं बोलना चाहता हूँ, क्या आप बोलना चाहते हो. आंसर अगर आएगा हाँ मैं, तो क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. अगर नहीं तो डोंट वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश. समझ में आ रहा है, आगे अगर आप नहीं चाहते हो तो क्या आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हो, कैसे बोलोगे, फिर से बोलिए, हाँ मैं इंग्लिश बोलने का प्रयास करता हूँ. समझ में आ रहा है, आगे इंटरनेट पर जाते हैं कि चैट ऑनलाइन, रात में व्हाट्सएप फेसबुक पर सब लोग 12 बजे तक टिंग 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 चैट करते हैं ना, बाई टाइपिंग मैसेज थ्रू इंटरनेट. इफ यू टॉक समबडी इज कॉल्ड चैट ऑनलाइन ना, इंटरनेट का यूज करके अगर आप किसी से बात करते हो तो टाइपिंग करते हो तो चैट कहा जाता है. ठीक है, तो अगर कहा जाए कि क्या आप चैट ऑनलाइन चैट करते हो, कैसे बोलोगे, डू यू चैट ऑनलाइन, कैसे बोलोगे, हाँ मैं ऑनलाइन चैट करता हूँ, नहीं मैं चैट ऑनलाइन नहीं करता. ओके, नहीं करते तो क्या आप ऑनलाइन चैट करना चाहते हो, हाँ मैं ऑनलाइन चैट करना चाहता हूँ. अगर नहीं चाहते तो क्या आप चैट करने का प्रयास करते हो ऑनलाइन,
हाँ मैं प्रयास करता हूँ ऑनलाइन चैट करने का। नहीं, ऑनलाइन चैट करने का प्रयास नहीं करता। वेरी गुड। अगला एक्शन देख लीजिए, रिजर्व द सीट। मान लीजिए आप दिल्ली जाते हो, बनारस जाते हो ट्रेन से या फ्लाइट से, तो कहते हो सीट को रिजर्व कर देना। दो वर्ड है, आप देखिए, एक रिजर्व द सीट है, एक बुक द सीट है। दोनों का मतलब सेम ही होता है ना। तो कहीं आप जाते हो तो क्या आप सीट बुक करते हो? कैसे पूछोगे? डू यू रिजर्व द सीट। हाँ, कैसे बोलोगे? डू यू रिजर्व द सीट, या क्या आप सीट बुक करते हो? डू यू बुक द सीट। चाहे रिजर्व द सीट बोलिए या बुक द सीट। अब अगर हाँ मैं करता हूँ तो क्या बोलोगे? यस आई रिजर्व द सीट ना। अगर नहीं करते हो तो कैसे बोलोगे? आई डोंट रिजर्व द सीट। ओके, अगर आप नहीं करते तो क्या रिजर्व करने का प्रयास करते हो? कैसे पूछोगे? हाँ, डू यू ट्राई टू रिजर्व द सीट ना। अगर आप ट्राई नहीं करते तो क्या आप रिजर्व सीट करना चाहते हो? रिजर्व द सीट। हाँ, आगे पीछे मैं कुछ भी बोलूंगा, मेरी बात को सुनना, क्योंकि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। हमारी लास्ट वाली बात को सुनो, अपना थोड़ा सा आगे जोड़ के बता दो, क्योंकि वांट टू ट्राई टू सेम ही है। मैं कहूंगा ट्राई टू रिजर्व द सीट, आप सिंपल जोड़ दो आई ट्राई टू रिजर्व द सीट ना, आई डोंट ट्राई टू रिजर्व द सीट। आगे देखते हैं, अगला है पार्क द कार ना। पार्क द कार का मतलब कार को कहीं पार्क करना का मतलब अच्छी जगह पर, स्थान पर खड़ा करना जहां पर कोई डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो अब मैं कहूँ क्या आप कहीं जाते हो तो कार पार्क करते हो? कैसे बोलोगे? डू यू पार्क द कार। अगर मैं करता हूँ तो कैसे बोलूंगा? अगर नहीं करता हूँ तो कैसे बोलूंगा? आई डोंट पार्क द कार। अगर आप नहीं करते हो तो क्या आप कार को पार्क करना चाहते हो? फिर से बोलिए। हाँ, मैं कार को पार्क करना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू पार्क द कार ना। तो अगर नहीं चाहते तो क्या आप कार को पार्क करने का प्रयास करते हो? फिर से बोलिए। ओके, आगे चलते हैं। अगला है किल द टाइम, समय को बर्बाद करना। किल द टाइम मीन्स समय को बर्बाद करना। बेसिकली हु वॉन्ट्स टू किल द टाइम, हमें लगता है कोई नहीं ना, नो वन वॉन्ट्स टू किल द टाइम। अब अगर आप किसी से पूछना हुआ, आपको मुझसे ही पूछना हुआ कि सर क्या आप समय बर्बाद करते हो, तो कैसे पूछोगे? डू यू किल द टाइम। ठीक है, आप कहोगे नहीं आई डोंट किल द टाइम। थोड़ी देर बाद मैं टेंशन में रहूँगा, आप किसी कोई दिमाग चल रहा होगा तो मैं कहूँगा क्या आप समय बर्बाद करना चाहते हो? कैसे बोलूँगा? क्या आप समय बर्बाद करना चाहते हो? कैसे पूछोगे? डू यू करना चाहते हो? किल द टाइम। फिर से बोलिए। डू यू वांट टू किल द टाइम। ठीक है, वांट टू को वना भी बोल सकते हो आप। ठीक है, हाँ मैं समय को बर्बाद करना चाहता हूँ। आई वांट टू किल द टाइम। ओके, अगर नहीं करना चाहता हूँ तो? अच्छा, तो नहीं चाहते हो तो क्या समय बर्बाद करने का प्रयास करते हो? डू यू ट्राई टू किल द टाइम। आगे देखिए, मेक नॉइस मीन्स शोर मचाना। तो क्या आप शोर मचाने का प्रयास करते हो? कैसे बोलोगे? डू यू ट्राई टू मेक अ नॉइस ना। क्या आप शोर मचाना चाहते हो? कैसे बोलोगे? फिर से बोलिए। वेरी गुड, हमें लगता है आपको आ रहा है जल्दी जल्दी। ठीक है, अगला है टर्न डाउन द रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट को वापस लेना, डिमांड को वापस लेना, इन्विटेशन को वापस लेना। ठीक है, तो क्या आप अपने डिमांड को वापस लेना चाहते हो? टर्न डाउन द रिक्वेस्ट, टर्न डाउन द डिमांड। क्या आपने डिमांड को वापस लेना चाहते हो? कैसे बोलोगे? डू यू वॉन्ट टू टर्न डाउन द रिक्वेस्ट आर डिमांड आर इन्विटेशन। ठीक है, आपने मुझे इन्विटेशन दिया फिर वापस ले रहे हो, तो टर्न डाउन ना, वापस ले लेना। तो क्या आप अपने रिक्वेस्ट को या डिमांड को, इन्विटेशन को वापस लेने का प्रयास करते हो? डू यू वापस लेने का प्रयास करते हो? डू यू ट्राई टू टर्न डाउन द रिक्वेस्ट डिमांड इन्विटेशन। आगे चलते हैं, अगला है कैरी द गन, बंदूक ले जाना। आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके ढेर सारे दुश्मन हैं, तो क्या आप गन ले जाना चाहते हो? कैरी द गन, समझ में आ रहा है? फिर से बोलिए। डू यू वॉन्ट टू कैरी द गन। हाँ मैं गन ले जाना चाहता हूँ। नहीं, मैं गन ले जाना नहीं चाहता। वेरी गुड, तो क्या आप गन ले जाने का प्रयास करते हो? हाँ मैं गन ले जाने का प्रयास करता हूँ। नहीं, मैं गन ले जाने का प्रयास नहीं करता। वेरी गुड, समझ में। आगे चलिए, अगला देखिए टेडर, एक वर्ड आया है टेडर। गांव में पशु पक्षी होते हैं ना,
जैसे भैंस गाय उनके लिए बांधने के लिए एक पगहा टाइप का कुछ होता है ना, ठीक है, जंजीर नहीं पगहा होता है, ठीक है, जिसे हम रस्सी बोलते हैं बांधने के लिए, ठीक है। तो किसी आप टेदर आप बफेलो बोल सकते हो ना, तो क्या आप बफेलो को बांधना चाहते हो, कैसे बोलोगे, डू यू वॉन्ट टू टेदर द बफेलो, फिर से बोलिए, बफेलो, हाँ मैं बफेलो को बांधना चाहता हूँ, बफेलो ना, क्या आप बफेलो को बांधने का प्रयास करते हो। अब टेदर जो वर्ड आया उसका मतलब पगहा या रस्सी में बांधना, ठीक है। लोग पूछते हैं, बहुत सारी मीनिंग पूछते हैं, खूंटा को क्या बोलते हैं, तो ये सारी चीजें मीनिंग एक एक करके आएगी, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अगला पुट द सेम, पुट द सेम का मतलब सेम ही सेम कोई चीज कह देना, रख देना, आप इसका यूज कर लीजिएगा। आगे है गेट अ सूट मेड, गेट अ सूट का मेड, शादी पड़ती है तो आप क्या करते हो, सूट बनवाते हो ना, तो सूट बनवाना, तो क्या आप सूट बनवाना चाहते हो, गेट, डू यू वॉन्ट टू गेट अ सूट मेड, डू यू वॉन्ट टू गेट अ सूट मेड, हाँ मैं एक सूट बनवाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट अ सूट मेड, क्या आप एक नहीं, अगर कहा जाए नहीं मैं नहीं बनवाना चाहता, गेट अ सूट मेड, ओके वेरी गुड। अगला है देखिए रिकॉल, रिकॉल मीन्स याद करना, क्या आप याद करना चाहते हो, हाँ मैं याद करना चाहता हूँ, नहीं मैं नहीं याद करना चाहता, क्या आप याद करने का प्रयास करते हो, डू यू ट्राई टू रिकॉल, हाँ मैं याद करने का प्रयास करता हूँ, नहीं मैं याद करने का, आई डोंट ट्राई टू रिकॉल। आगे चलिए प्रिपेयर द लंच, तो अगर आप लंच प्रिपेयर करना चाहते हो कैसे बोलोगे, पहले पूछो, डू यू वॉन्ट टू प्रिपेयर द लंच, या डू यू करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू प्रिपेयर द लंच, तो क्या आप लंच प्रिपेयर करने का प्रयास करते हो कैसे बोलोगे, वेरी गुड। अगला है वाटर द प्लांट, वाटर द प्लांट का मतलब पौधों में पानी डालना, ठीक है, क्या आप पौधों में पानी डालना चाहते हो कैसे बोलोगे, फिर से बोलिए, हाँ मैं पौधों में पानी डालना चाहता हूँ, तो ठीक है, अगर नहीं तो क्या आप पौधों में पानी डालने का प्रयास करते हो, स्पीक, ओके, जीनत इज सिटिंग साइलेंटली एंड शी इज नॉट स्पीकिंग, बट आई यू हैव टू स्पीक बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, सो प्लीज स्पीक, नाउ एवरीवन विल साइलेंट, ओनली जीनत विल स्पीक, ठीक है। अगला है मेक अ बेड, गांव में बिस्तर तो लगाती हैं, मेक अ बेड का मतलब बिस्तर लगाना, तो अगर कहना हुआ कि आपको पूछना हुआ कि सर क्या आप बिस्तर लगाना चाहते हो, तो कैसे बोलोगे, अगर क्या आप बिस्तर लगाना चाहते हो, हाँ मैं बिस्तर लगाना चाहता हूँ, अगर नहीं चाहता तो, अगर आप लगाने का प्रयास करते हो तो कैसे पूछ, हाँ अगर चाहते हो तो, अगर नहीं चाहते तो, वेरी गुड, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जीनत, वेल डन जीनत, यू आर डूइंग वेल बेटा, बट बोलो, स्पीकिंग कौन सा है, स्पीकिंग ओनली इफ यू लिसन टू ऑल, यू कैन नॉट स्पीक, just if you have to speak together, no, speak together, because practice makes a man perfect, if you are not going to practice, so the things would be wreck, and your pronunciation would not be good, your fluency would not be good, if you want to enhance your fluency, and if you want your fluency make powerful, so you must speak, okay, so please speak. Agla hai go to club, do you want to go to club, yes I want to go to club, do you try to go to club, yes sir. Do you want to go to club? Yes, I want to go to club. If I speak in English, just reply in English. Do you try to go to club? Yes, I want to go to club. Same thing asked to me. Same thing asked to me. Do you try to go to club? Yes, I try to go to club. Do you wanna go to club? Yes, I wanna go to club. That's it. Okay. Next, learn driving car. अगर आपको मुझसे पूछना होगा सर आप कार चलाना सीखना चाहते हो कैसे पूछोगे? Do you want to learn driving car? हाँ मैं चलाना सीखना चाहता हूँ कैसे बोलोगे? फिर से बोलिए। I want to learn driving the car. Okay? And क्या आप कार चलाने का प्रयास करते हो? Do you try to learn driving the car? Yeah. I try to learn driving the car. Not car. हाँ मैं कार चलाना चाहता हूँ, नहीं no I don't, just try to learn driving the car. You know? आप थोड़ा सा टंग को ट्विस्ट करो, just try to twist your tongue. Hmm? Yeah.
आगे चलते हैं, हम कुछ प्रोवर्ब्स हैं। पहला प्रोवर्ब्स है हैंडसम इज डैट हैंडसम डज। हैंडसम इज डैट हैंडसम डज मीन्स यू वुड बी अ ब्यूटिफुल हैंडसम व्हेन यू विल डू द वर्क विच इज हैंडसम और ब्यूटिफुल। बाय योर फिजिकल अपीयरेंस यू आर नॉट हैंडसम और ब्यूटिफुल। इफ यू आर सेइंग दैट आई एम सो ब्यूटिफुल बिकॉज आई लुक नाइस एंड लुक ब्यूटिफुल माई पर्सनैलिटी इज गुड, नो, यू आर हैंडसम when you are doing the work good, no, when you are doing the work handsome, your work makes you handsome, not your physical appearance makes you handsome. So okay, so you will be called handsome or beautiful by your work, through your work, not your physical appearance. Just you are just wearing very good nice shirt, night pants, no, if you are flattering somebody, no, if you are flashing somebody, that's not good. तो हैंडसम इज दैट हैंडसम डैट मतलब सुंदर वह है जो सुंदर कार्य करे। आगे चलते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपकी जरूरत ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आपकी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तभी आप उस चीज़ को आवश्यकता आविष्कार करोगे ना, किसी भी चीज़ का। जैसे आपके पास लिखने के लिए पेन नहीं था तो आवश्यक चीज़ें क्या थी, पेन थी, तो पेन क्या हुआ, आविष्कार हो गया। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आगे आ जाइए प्रोवर्ब्स पे। पहला है डोंट टॉक रबिश। डोंट टॉक रबिश का मतलब बकवास मत करो, बकवास मत करिए। डोंट टॉक रबिश जी ना, डोंट टॉक रबिश। आकिब डोंट टॉक रबिश। नागिन सर डोंट टॉक रबिश ना, क्यों नितिन डोंट टॉक रबिश। ठीक है, कब बोलोगे, जब कोई बड़बड़ा रहा हो ऐसा बात बोले आपको बुरा ना लगे, से डोंट टॉक रबिश। कीप योर माउथ सेट, कीप योर माउथ सेट। ठीक है, हाँ, बी इन योर लिमिट, डोंट क्रॉस योर लिमिट। अपनी हद को पार ना करो, अपनी लिमिट में रहो। आगे है डोंट गेट पैनिक। अगर कोई बहुत डर रहा है, अरे कोरोना है, देयर इज कोरोना ना, कोरोना है, कोरोना है, तो नो नो डोंट गेट पैनिक ना, हैव अ पेशेंस, धैर्य रखो, हैव अ पेशेंस, धैर्य रखो, डोंट गेट पैनिक। परेशान ना हो, दहशत में मत आओ, पैनिक में दहशत में आना। आगे व्हाट टू डू, अब पैनिक में दहशत में है तो व्हाट टू डू, क्या करें। व्हाट टू डू मींस क्या करें ना, क्या करें। ठीक है, आगे अगला है टचवुड। टचवुड का मतलब होता है कहीं नजर ना लगे, कहीं नजर ना लगे कहते हुए आपको लकड़ी को टच करना है, टचवुड ना। जैसे नितिन बहुत अच्छा स्पीकिंग कर रहे हैं, नितिन हैज स्टार्टेड स्पोकन गुड, तो ऐसे टचवुड नितिन यू आर स्पीकिंग वेल ना, टचवुड। ऐसे टचवुड एंड आई विल टच द वुड। ओके, इफ यू विल से टचवुड देन यू हैव टू टच द वुड समवेयर। ओके, सो टचवुड मींस नजर ना लगे, कहीं नजर ना लगे, टचवुड। आगे है व्हाट वाज टॉट मींस क्या पढ़ाया गया। अब मेरे को व्हाट वाज टॉट यस्टरडे, कल क्या पढ़ाया गया, देन योर रिप्लाई विल बी सर डे 8 डे 9 डे 10 ना, the use of has, have, या do you want to, do you try to। ठीक है, तो these are the practices, practice of do you want to, do you try to, hope ki, did you understand? Yes, I understood. No, did you understand? Yes, I understood. Okay, so hope ki you all have got very well, and keep practicing continue. And if you will keep practice continue, no doubt your spoken and your English fluency would be nice. And if you enhance your English fluency, you have to speak continuously. Because practice makes a man perfect. Once again, speaking comes by speaking. If you are not going through the practicing, if you are not going through the speaking, then your fluency will not be perfect. Your fluency will not be enhanced. So by enhancing, if you want to enhancing your fluency, you must speak, because speaking comes by speaking. Now till then, take care of you. Goodbye. See you next video, next class. Thank you so much.